बड़ी हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर। इतने सारे यंग फेसेस, मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं। मैं भी बहुत छोटी थी जब मैंने एक्चुअली फर्स्ट प्ले किया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो प्ले के डायरेक्टर, मैं 16 साल की थी, वो मेरा पहला, एक तरह से पहला प्ले था जो दूरदर्शन में दिखाया गया था, और वो प्ले का नाम कार था, मोटर कार, और उसमें मेरा मेन रोल था दरवाजे का, और उसके डायरेक्टर थे मनोज मिश्रानी जी, जो आज हैं। मुझे याद है कि 50 रुपये मिले थे दूरदर्शन में, और ये आए थे देख के, और मेरे माँ बाप भी लगे कि 16 साल की लड़की को 50 रुपये भी मिले थे तब। तो थिएटर एक पैशन है। बाद में जब हम बड़े हुए तो फिर जब बी ए किया, एम ए किया, फिर माँ बाप ने बोला कि बस हो गया थिएटर, ये सब क्या है, बंगाली में कहते हैं नाचन को दोनों नहीं खोई जाते, बस आई एस का जॉब गवर्नमेंट। उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेड था। हम लोग थिएटर करते थे, हम लोग एक ग्रुप था हमारा थिएटर वर्कशॉप, 1977 में इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग थिएटर, हम लोग कनॉट प्लेस में काम कर रहे थे, पुलिस भी आ गई थी, भाग गए थे हम लोग। उसके बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, ऑफकोर्स पढ़ाई की, बी ए किया, एम ए किया। तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब बहुत सारे पैशन के साथ, बहुत लड़ाई के साथ हमने एक चॉइस किया था थिएटर करने का। मन के दो हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में बहुत चीज ना आप डर जाते हैं, हमको कैसे याद होगा, बचपन में मम्मा ने कहा होगा तू मूर्ख है, तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, टीचर ने कहा होगा ये तो बेकार है, याददाश्त खराब है, हमने वो कंडीशनिंग ले ली, हमारे ब्रेन ने कह दिया हम तो बिल्कुल मूर्ख है, क्योंकि तब हम छोटे थे। जो भी हमारे फाइल्स आ गई ना, माँ बाप की फाइल, टीचर्स की फाइल, सोसाइटी की फाइल, हमने फाइल ले ली अंदर, और वो सबकॉन्शियस में बैठ गई कि हम, हमारी याददाश्त कम है, जैसे कहा ये आपकी फाइल नहीं है, वो किसी और की फाइल है जो सबकॉन्शियस में बैठी है। उस फाइल को हमें रिवर्स करना है दो तरीके से, एक तो एकदम कन्विक्शन के साथ कि मेरी याददाश्त बिल्कुल बहुत अच्छी है, ये जब आप अंदर आपकी फाइल आप बदल देते हैं ना, सोच है और वो सोच बदली जा सकती है। आपने जो सोचा कि मैं नर्वस हूँ, मैं कैसे बोलूँ, वो सोच बन के साथ जा सकती है, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये लोग सब मेरे भाई बहन अजीज हैं, बच्चे हैं, आई लव टू बी कम्युनिकेटिंग, ये मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैं डरूंगी नहीं, मैं कुछ भी बोलूंगी, और अगर मुझे ऐसे आना आ रहा है, मुझे इतने सारे डायलॉग्स बोलने, अभी मैं मर के ऐसे हो जाऊँगी, ये होता। तो सबसे पहले ट्रेन सुबह शाम आपको रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टा मारना, फिर जब आएंगे आप रिहर्सल में, आप उसको सरेंडर कर देंगे, और आपकी एनर्जी एक्सचेंज है आपके को एक्टर के साथ जी। आपके को एक्टर के साथ एनर्जी एक्सचेंज जो होती है, तब आप देखेंगे कि एक मधुरता आती है, एक प्योरिटी आती है एनर्जी में, जब आपने रट्टा मार लिया और फिर आप जेन्युइनली आप बात कर रहे हैं, और जेन्युइनली आपके पास एक पन्ना है, आपने रट्टा मार लिया, आपने आपकी एक लाइन भी आप भूले नहीं, और जब आप आ गए, आपने डीप सांस लिया, आपने अपने सबकॉन्शियस को छोड़ दिया, ये जानते हुए कि मेरी मेमोरी परफेक्ट है, आई एम अ वंडरफुल एक्टर, दैट इज़ वाई मैं यहाँ आज हूँ, और मैं अब शेयर करूँगी अपनी लाइफ अपनी कैरेक्टर्स के साथ। वो एक बहुत सशक्त तरीका जो मैंने पाया है, जिसकी वजह से आपकी एक्टिंग नहीं रहती, आप एक जेन्युइनली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी ले रहे हैं। माँ बाप को दफना के आ जाते हैं, शो मस्ट गो ऑन, हम लोग का बहुत क्रूअल प्रोफेशन भी है, हम लोग बोलते नहीं, हमने खुद अपने जीवन में यही किया है। तो अगर मान लो कोई बंदा चला जाए ऊपर, क्या करे, भगवान ना करे, पर एक बार तो हमेशा सेकेंड एंड पर्सन रहता है। आप अगर अच्छे कलाकार हैं तो आप देखेंगे ये मेन रोल इसको मिला है, मुझे नहीं मिला, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं, आप घर जाके प्रैक्टिस करिए, उसको रोज प्रैक्टिस करिए कि एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू, और उम्मीद के ऊपर वाला आपको देगा, क्योंकि आपकी
सोच आपकी रियलिटी, व्हाट यू बिलीव मैनिफेस्ट करता है। हम लोग को बचपन से, हम लोग एज पेरेंट्स भी हम गलती करते हैं, आप लोग अपनी जनरेशन में गलती करते हैं। ये जो आप प्रोत्साहन नहीं दे पाते बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब उनका सबसे खाली होता है दिमाग, सबसे ज्यादा उनको उनके ऊपर हम इमेज डाल सकते, तब हम कॉन्फिडेंस नहीं देते बच्चों को। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला है वो आज कुछ बना है। और अगर मान लीजिए आपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिया, वो नहीं दे पाए, आप ढूंढिए अपने पेयर्स में, ढूंढिए अपने साथियों में, ढूंढिए अपने इष्ट में, ढूंढिए अपने गुरु में, ढूंढिए अपने डायरेक्टर में, ढूंढिए आपके किसी में ढूंढिए, और वो चीज़ को अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंस, अपने अंदर बिलीव। और जिस दिन आपने अपनी बिलीव कर दी ना, आपका पूरा माइंड बदल जाएगा, बुक लेके जाएगा, नहीं लेगा, हम सेल्फ पब्लिशाइज करेंगे, हम सेल्फ पब्लिश करेंगे, हम अमेजोन में जाएंगे। आजकल आपका टाइम तो बहुत अच्छा टाइम है, आपका टाइम हम लोगों से एक तरह से, आप टेक्नोलॉजिकली इतने बढ़ गए हैं, आपके पास कितनी सारी रास्ते हैं जो हमारे पास नहीं थे। आज एक बंदा डॉग हेयर क्लीन करने, डॉग हेयर कटिंग का करियर बना रहा है, 40,000-50,000-60,000 महीना कमा रहा है डॉग को बाल कटिंग। कभी सोच सकते थे हमारे माँ बाप के जूते मारते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और इतने बैरियर्स कोलैप्स हो गए ना, इतने सब जो थे सब लूज हो गए हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। आपके हाथ पे पावर है, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी पावर है, जो आप अपनी चीज करें। बहुत मुश्किल है अगर मैं आपको झूठा बोलूं कि आपका तो डायरेक्टर बैठा हुआ, आप वो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, हमने तो देखिए हम खुद रुकते हैं, हमने खुद फिल्म बनाई है जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जो अच्छे कलाकार लेके भी किए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम है और ये बहुत कम लोगों का गेम है, वो ऊपर का गेम है, कुछ लोगों के पास पावर है। और हम सोचें कि वो बैठ के हमें देखेगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी चीज बनाई है, और हम निराश हो जाते हैं। सब लोग देखे, वही तो हम कह रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। ये जानिए कि धीरे धीरे अब आप शाहरुख की फिल्म और सलमान की फिल्म को डब्बा कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी करोगे। अभी गोलमाल आ रही है, फिफ्थ आ रही है, मैं एयरपोर्ट में बैठी थी तो बहुत लोग मिल गए, फोटो लेते कि मैम फर्स्ट वाला सबसे अच्छा था, वो जेन्युइन था। अब तो अब सब गोलमाल 5 रिलीज भी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अहंकार हो गया। मैं नहीं कहती वो एक हो जाता है कि हम तो बड़ा, हम तो जो भी करेंगे पब्लिक ऐसे लेगी, पब्लिक नहीं ले रही। तो हमारे लिए अच्छा टाइम है कि हम अपनी पैशन को फॉलो करें, हम अपना मन का करें, हम वो ना करें जो हमको फोर्स कर रहे हैं कि अरे यार नौकरी करो, ये करो, वो करो, करो नौकरी भी करो, पर अपना पैशन, अपनी जो दिल की, अपनी जो आत्मा की पुकार है वो नहीं खोना चाहिए, चाहे हमें 2 रोटी कम खानी पड़े। क्योंकि हम लोग कलाकार हैं ना, जब कलाकार खड़ा होता है ना, कलाकार जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, विदूषक होता था, नरेटर होता था, वो एक समाज की दृष्टि बताता था, ये अच्छा ये बुरा है। हम कलाकार क्या है, हम मीडिया क्या है, वी आर द वॉइस ऑफ सोसाइटी। अगर हमने अपनी चीज लिख के, बोल के, एक्ट करके, डायरेक्ट करके, प्रोड्यूस करके हमने अपनी चीज सोसाइटी को दी, तो हमारा सोसाइटी बहुत ही सशक्त और बहुत ही हेल्दी सोसाइटी होगा। नहीं तो अगर बीमार हो जाएगा ना, एक ही चीज़ हो रहा है, सब लोग वही चीज़ देख रहे हैं, सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं, सब बीमार हो जाएंगे। तो जो आपके मन की सोच है, प्योर पैशन है, वो हमेशा प्योर और अच्छी ही रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे। आपकी सोच प्योर हो तो आपका शरीर खराब हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपका शरीर टूट रहा है, सोचिए पहले सोचिए आपका मन क्या है, आज आपका मन कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है आपकी, हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात कर रहे थे ना, वो एक्टर के लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये मत सोचिए कि हमें कोई देगा, हम अपनी हिस्ट्री, हम अपनी, हमारी जीवन एक कैनवस है, हमारे पास पेन पेपर इंक है, हमारी ऊपर वाले ने हमें भेजा है लिखने के लिए। अब कोई कहता नहीं इधर लिखो, अरे हमसे हमें पसंद नहीं है लिखोगे, अभी लिखो लिखो, नहीं हम अपना लिखेंगे और उसका जो भी नतीजा होगा हम खड़े होंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी पेंटिंग, जीवन की पेंटिंग खराब है तो भी वो हमारी। तो हैव द कॉन्फिडेंस कि हम जो करेंगे, बिलीफ है आपकी, बिलीफ आपकी रियलिटी है,
जो आप बिलीव करेंगे, आप बोलेंगे वो ही रियल है, कोई दूसरा आपको रियल नहीं बोलेगा। तो इसलिए अपनी चीज करें। हम तो कितने बार हमारी फिल्में नहीं आई है, कोई बात नहीं, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे। एक दिन जब आएगा कि अरे उनकी फिल्म रखे यार, दिखाओ अच्छी अच्छी फिल्म है यार, कहाँ पड़ी थी इतने दिन, वो टाइम नहीं था, हम पेंट ठीक से थोड़ी सी गड़बड़ हो गया था। अब देखो जब हमने पूरी पेंटिंग देखी, अरे वाह, पर ये अपने ऊपर बिलीव है, यू नो, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर, इट्स योर बिलीव अबाउट योर लाइफ। मनोज जी का, आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज मनोज जी नीड्स टू स्पीक। हेलो, यस सर, माय नेम इज मंजू दुबे एंड आई एम का एज ऑफ 26। सो मेरे लिए क्या यहाँ बैठे मेरे एज के सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन है शायद कि व्हाट इज द राइट वे टू ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग इस एज में है कि एक तरह से रिस्क फैक्टर हो जाता है, यहाँ से आके मुझे जॉब करना बहुत नेसेसरी है और मैं एक मुंबई जाता हूँ तो कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ने सुने हैं कि फलाना फेल होके आ गया क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं था। पर जैसा भी आपने बोला कि आप लोग के पास कई सारी टेक्नोलॉजी है, कई सारा गाइडेंस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए बिल्कुल राइट वे क्या होगा कि हम लोग एक एक्टर बन सके और मुंबई जाके अच्छे से सर्वाइव कर सके। देखिए उसके लिए तो मुझे लगता है कि हजार लोग जो आते हैं मुंबई में, शायद इतनी हजार में नहीं, लाख लोग आते हैं, बन जाता थोड़े टाइम के लिए, इसको 5 मिनट फेम बोलते हैं हम लोग जो है, थोड़ा सा फेम फिर खत्म, थोड़ा सा फेम फिर खत्म। ये किसी के पास जवाब नहीं है। जब अमिताभ बच्चन जी, मैंने सुना है जब वो 59-60 के थे, आप यकीन जानेंगे, बड़े अच्छे सूत्र से हमें पता चला कि वो बीबीसी गए थे, उनके पास काम नहीं था, वो वॉइसिंग करते मिस्टर बच्चन। आज कोई सोच सकता है 75 साल के बेटे ने थी, वो फेस था उनके जीवन में, उनके पास काम नहीं था क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, हीरो नहीं थे और एकदम बड़े बुजुर्ग नहीं हो गए थे दादाजी का, तो हर पर्सन का एक ट्रांजिशन होता है। तो हम कह नहीं सकते किसी के बारे में कि आप बम्बई आए, आप वो भी खुद आए थे तो उनको काम नहीं मिला था, जया जी फेमस थी, सारे एक्टर्स के, आप राजेश खन्ना का ले लीजिए, मतलब हर पर्सन की अपनी डेस्टिनी के हिसाब से होता है। आपका सवाल ये है कि हम बॉम्बे जाएं, हमें क्या श्योरिटी है कि अभी फिल्म नहीं, आपके सीवी में देख सकते हैं और आप कुछ भी नहीं हो, किसी ने आपको प्ले में देख लिया, सुभाष जी ने कहा यार अच्छा हूँ, चश्मा पहने हूँ, लाल शर्ट पहना यार, उसको बुलाना अचानक से आपको, क्योंकि आपके आपके हुनर है, आप ऑलरेडी ट्रेन है, आप रेडी हैं, तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, पता नहीं कब हो जाए। और कोई एक सूत्र नहीं है, जैसे कि इसी से ही आप, मैं थिएटर कर रही थी, एक प्ले कर रही थी, मैं कपिल कपूर और डायरेक्टर थे बहुत सालों के, करमचंद जी ले लंग करते थे, तो डायरेक्टर थे पंकज पराशर, उनको उन्होंने पंकज कपूर को साइन कर लिया था। अब वो एक पीटी नाम के कैरेक्टर जो फाइनली मैंने किया, वो ढूंढ रहे थे। तो अभी मैं आपको अपना किस्सा सुना रही हूँ, उनके बाल कुछ सवाने कुछ अजीब से थे, मैंने कहा ये फूलगोभी वाला बंदा कौन है, फूलगोभी टाइप बाल से थे, तो बड़ा दुख हो गया। उन्होंने बोला यार मैं इस लड़की को लेने वाला था, पर उसने मुझे फूलगोभी बोला, मुझसे माफी दिलवाओ। तो पंकज कपूर आए यार, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी बोल, मैंने कहा मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने तुझे फूलगोभी क्या बोला, मैंने कहा बस इतनी बात है, मैंने कहा सर सॉरी आपकी फूलगोभी नहीं है, पत्ता गोभी है नीचे, तो उन्होंने मुझे रोल दे दिया। मैं रेडी थी, मैं थिएटर कर रही थी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की गोल्ड मेडलिस्ट थी, आई वाज रेडी, आई वाज परफॉर्मिंग, थिएटर कर रही थी, 50 रुपए भी नहीं मिलते थे, ट्रेन से हमदर्द करके जाते थे, तो फिर वो बिना सब कुछ खुल गया। तो राइट वे अगर मैं कहूँ कि आप वहाँ पे जाइए, पिछली गुट जाइए, आपके माँ बाप के या आपके हार्ड अर्न मनी खर्चा कीजिए, कोई गारंटी नहीं है आपके बॉम्बे में, हो सकता है आप जाएं पर पैसे लेके जाएं, एक साल की जुगाड़ लेके जाएं कि मेरा पैशन है मैं फॉलो करूंगा, अगर एक साल में मैं नहीं बना तो फिर मैं आपके गड्ढे पे आ जाऊंगा पापा के, या जॉब कर लूंगा या जो भी, पर अपना पैशन है। जैसे हमने कोई साइड बिजनेस नहीं रखा कि ये नहीं होगा तो मैं, भैया मैं दिल्ली की हूँ,
मैं ये नहीं कहा कि भैया नहीं होगा तो मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी, वही रहे हम। नीना गुप्ता 500-500 रुपए के लिए हम वॉइसिंग देते थे, शेखर कपूर डायरेक्टर थे, तो क्या अनिता कंवर, हम लोग बहुत लोगों ने ऐसे स्ट्रगल किया। तो आपके को तो करना है अगर रहना है। माँ बाप कहते थे अपने में, आ जाओ, हमें पता था शुरू से तुम तो ऐसी थी, तुम तो तुम्हारा कुछ नहीं होना था, आ जाओ, चार गाली सुनना पड़ेगा, वो अलग घर आके क्या पाएगा। हमने एक रास्ता हमने तय किया कि हम यहाँ जाएंगे, उसमें मुसीबतें आएंगी तो उसमें हम अपना जुगाड़ रखेंगे कि भाई अगर प्रॉब्लम होगी तो हम ये करेंगे। हम घर हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अपना मुकाम ना पास करें, क्योंकि वो मेरी वो आपकी पेंटिंग है, कौन किसकी हिम्मत है कि आपकी पेंटिंग को ना करे। ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर दिमाग कॉन्फिडेंस दिया है, अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो हमने अपनी हुनर, एक लैपटॉप है, लैपटॉप है, मुझे अच्छी तरह से आता नहीं है लैपटॉप, इसका मतलब लैपटॉप खराब है क्या। जिस दिन मैंने लैपटॉप सीख लिया मुझे एक नहीं 10 चीज मिली, ये जीवन है। जिस दिन मैंने जीवन की कीज समझ लिए, जीवन में कहां से कहां कर सकती हूँ, वी हैव टू नो द कीज ऑफ आवर लाइफ। सो द कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ अप्रूवल, दीज आर द कीज।